जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं CRPF, CISF, SSB, BSF, ITBP और असम राइफल। इसकी ट्रेडमैन्स की भर्तियां चल रही है, ठीक है। तो बता दें आपको कि इस सारे पदों की जो भर्तियां चल रही है, इसी के रिगार्डिंग परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो किस प्रकार होंगे, इसी से रिलेटेड आपको मैं प्रतिदिन एक सेट कराया जाएगा। तो फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। जो आपको प्रतिदिन 10 मिनट आप निकालिए और आपको 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आसानी से करें और एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आएँ, जिससे आपकी सिलेक्शन हो जाए। मात्र आपको 10 से 12 मिनट निकालना है, जिससे आप 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, आइए वीडियो को चलते हैं। तो हम बात करते हैं GK GS के। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से फास्ट कमेंट। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं और ज़रूर बताएं कि आपको 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही बनाएं। इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो हम बात करते हैं इसके सही आंसर की ओर बिना देरी किए हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है, पहली बार किस राज्य में बनाई गई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से फास्ट कमेंट। तो चलिए हम बात करते हैं इसके आंसर की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर। किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरार पड़ जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में गर्मियों में आपको दरार पड़ जाता है। क्या पूछा? दरारें। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, जल के प्रत्येक अणु में खाली स्थान हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सही आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो जल्दी से कमेंट करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले बता दें प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसलिए प्रतिदिन आपको एक सेट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने फिजिकल्स क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपने ट्रेडमेंट्स का फॉर्म फिल किया है, तो आपको जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनी कमांड मैन के चरित्र ने प्रसिद्धि दी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से फास्ट कमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, RK लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके गांव में भूमि अनुक्रम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जल्दी से फास्ट कमेंट। ऑप्शन नंबर डी, सुखो माजरी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय गणितज्ञ के नाम पर था तथा सोवियत यूनियन द्वारा वर्ष 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए, बी, सी
या डी, जल्दी से फास्ट कमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 32 का डी, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से फास्ट कमेंट। खिलाफत आंदोलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से फास्ट कमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपको प्रतिदिन एक सेट कराया जाएगा। प्लीज इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें, जिससे हर दिन आपको ये अपडेट मिलता रहे और आप इस 25 क्वेश्चन को रिवाइज करते रहें। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन शुरू किया गया, ऑप्शन किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विनोदा भावे के द्वारा ये शुरू किया गया था भूदान आंदोलन, जिसमें भूमि को दान किया जाता था। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस प्रसिद्ध नाम है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से फास्ट कमेंट। बायोगैस, इसमें बता दें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोबर गैस। गोबर गैस को बायोगैस से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का गैर संवैधानिक संस्था है, था, सॉरी था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य मानव अधिकार आयोग, जो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? कमेंट, फास्ट कमेंट बताते जाइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सोलर कुकर को बाहर से किस रंग से रंगा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काला। सोलर कुकर को बाहरी परत जो होता है काला कलर से रंगा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की। किस राज्य की वर्ष 1718 में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1718 में प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र का था। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में डब्बू छपाई की जाती है, जिसमें मिट्टी के लचीले कांच में डुबा ढक्कन को डुबाया जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष पद्मभूषण दिया गया? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, पद्मभूषण दिया गया, ऑप्शन जल्दी से फास्ट कमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। राइट नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं। महाजनपद के राजा महल बनाते थे किस लिए बनाते थे? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
महाजनपद के राजा सुरक्षा के लिए महल बना के दीवार बनाते थे। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019 में किसने स्वर्ण पदक जीता, 2019 में किसने जीता था? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से फास्ट कमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंजू रानी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण रोजगार संजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुई? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से फास्ट कमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1955 में आपको ये शुरू किया गया था, 1955 ही राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, विंग ऑफ फायर के लेखक हैं कौन, लेखक है ये पुस्तक नाम है, विंग ऑफ फायर के कौन थे लेखक? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, APJ अब्दुल कलाम। विंग ऑफ फायर के लेखक कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश ने मानव विकास रिपोर्ट में भारत से अच्छा प्रदर्शन किया है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जल्दी से फर्स्ट कमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दल बदल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन क्यों चलते, गोला छट्टा खेल किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। तो फ्रेंड हम इसी प्रकार आपको प्रतिदिन एक सेट लाएंगे, तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दे और साथ ही शेयर करना ना भूले। जब तक लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।